चैप्टर नंबर वन सेट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर वन, और ये क्लास इलेवेंथ के लिए है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। सबसे पहले बताना है कि सेट्स कौन से हैं और जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर्स को। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। तो जे से जो शुरू होते हैं जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है। अब ये तो एक प्रॉपर सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि आप हर मंथ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने सेट में। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम आते हैं दूसरे पे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आपको क्या लगता है कि जैसे 10 मोस्ट टैलेंटेड अगर हमें बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे हम इसको? ये तो कोई भी हो सकते हैं, ये तो सब्जेक्टिव है। यदि आप इसमें नाम रखेंगे 10 का, कोई बोलेगा नहीं 10 तो ये होते हैं, कल बोलेगा कोई 10 तो ये होंगे। तो ये कलेक्शन जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग द राइटर्स टैलेंट, राइटर का जो टैलेंट है वो हर जगह डिफरेंट कर सकता है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसलिए ये दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। तीसरा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है कि अगेन यही रीजनिंग होगी कि बेस्ट क्रिकेटर कौन कौन होंगे, ये कौन बताएगा आपको? या आप आईसीसी की, इंडियन ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी की, उसकी रैंकिंग के हिसाब से ले लें। लेकिन ऐसा है नहीं, हो सकता है कि और अच्छे हों कहीं पे और जिन जो रैंक में उस समय ना आ पाए हों। तो ये कोई वेल डिफाइंड आपका सेट नहीं है, ये एम्बिगुअस सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड है। आप देखिए दिस इज वेल डिफाइंड, क्योंकि आप हर एक बच्चे को, हर एक बॉय को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो इसको बिलोंग करता है, इस कलेक्शन को। और अब आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये भी बिल्कुल एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर्स हमें पता है, हम यूनिकली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होंगे 100 से नीचे। इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी आपका बिल्कुल वेल डिफाइंड है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो जो किताबें लिखी हैं वो हमें पता है, सारी फ्रेटर्निटी को पता है, जो राइटर फ्रेटर्निटी उनको पता है। तो इसका अगर हम सेट बनाएंगे तो मैथमेटिशियन के लिए ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। अब आते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब ये है कि क्योंकि हमने ऑल इवन इंटीजर्स कर दिया तो जो भी नंबर्स आएंगे उसमें वो तो इवन होंगे और इंटीजर्स होंगे, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अगले वाले पे आते हैं। अगले वाले में कहा गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस पेपर और सॉरी चैप्टर। तो चैप्टर है उसमें क्वेश्चंस हैं। अब जैसे किसी एक्सरसाइज में, किसी चैप्टर में 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 20 में हो सकते हैं, और ये डिफाइंड है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्टिव है या किसी और जगह वो चेंज हो जाएंगे, नहीं, जो किताब में क्वेश्चंस दिए हैं वो उतने होंगे। तो ये बिल्कुल वेल डिफाइंड आपका सेट है। अगले में आते हैं द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। देखिए जो मोस्ट डेंजरस और मोस्ट लाइवली, हर ये इस तरीके का कि बेस्ट टीचर, इस तरीके के सेट नहीं होते हैं, ये एम्बिगुअस सेट है, क्योंकि इसके हर जगह पे अलग अलग सेट्स बन सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सेट है आपका लास्ट सेट है, दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें है एक सेट है, देखिए सेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, क्योंकि हम पहली बार इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, तो जिन जो सीधा इस एक्सरसाइज को देख रहे हो उन्हें यह भी तो पता होना चाहिए सेट क्या होता है। सेट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। सेट को इस तरीके से लिखते हैं जैसे यहां पर लिखा गया है। देखिए सेट का नाम ए या बी इस तरीके से लेते हैं, इज इक्वल टू करते हैं, फिर यहां पर ब्रेसेस लगाते हैं। अब ये थोड़ा सा मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी नहीं है, फिर मैं कोशिश करता हूं। ए इज इक्वल टू ये इस तरीके से बनेगा और ये
इस तरीके से मान लीजिए चलिए, और इसके अंदर जो नंबर्स आएंगे आपका ध्यान इस पे होना चाहिए 3, 4, 5, 6। अब जो भी एलिमेंट्स होंगे कॉमा से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो यू और यू ये शुरुआत होगी एंड होगी, अंदर आपके एलिमेंट्स होंगे और उसका नाम इस तरीके से होगा इज इक्वल टू से साइन होगा। तो ये जो चीज है इसे हम सेट करते हैं। तो यहां पर बोले हैं कि इंसर्ट, एक सेट दिया हुआ है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो देखिए यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा क्या 5 इसमें बिलोंग करता है। हाँ बिलोंग करता है, तो ये वाला साइन आएगा बिलोंग टू वाला, दिस बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू हो जाएगा, और डज नॉट बिलोंग टू भी होता है। अगले में आते हैं 8 इसके अंदर है, 8 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो डज नॉट बिलोंग टू। 0 देख लीजिए, 0 है नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 है, हाँ 4 मिल गया तो बिलोंग्स टू। 2 है, हाँ है 2 तो बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग टू मतलब इसमें है, बिलोंग करता है, इसके अंतर्गत आता है इस सेट के। और 10 डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि 10 इसमें कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब यहां पर भी मैं इस क्वेश्चन से पहले आपको बताना चाहूंगा कि सेट को 2 फॉर्म में लिखा जाता है, एक रोस्टर एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी क्या है कि अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में ये जो लाइन कह रही है उससे जो नंबर निकल के आ रहे हैं, जो आइटम निकल के आ रहे हैं, जो वैल्यूज निकल के आ रही है, वो लिखनी है आपको डायरेक्ट। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आपका a इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। -3 से ग्रेटर है यानी -3 तो आएगा नहीं, -2 से शुरू करिए और -1 इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए, केवल 6 तक पहुंच जाइए क्योंकि 7 के नीचे होना चाहिए। तो ये आपके नंबर्स हो जाएंगे, ये आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो सेट है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें, ये जो सेट है दिस एंड दिस दे आर एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में है और दूसरा जो है आपका वो रोस्टर फॉर्म में है। अब यहां पर आते हैं सेकंड वाले में, बी इज इक्वल टू, बी इज अ सेट इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, ये तो 1 से शुरू होते हैं, तो अब ऐसे कैसे बनाएंगे, 1 से शुरू करेंगे और लेस देन 6 है तो 5 तक चले जाएंगे, बस इतना करना है आपको। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब अगले में आते हैं हम सी में, थर्ड वाले में, यहां पर बोला गया है x इज सच दैट x इज अ 2-डिजिट नेचुरल नंबर, 2-डिजिट मतलब 2 डिजिट होंगे इसमें, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो कैसे होंगे, आप देखिए 1, 7 इन दोनों को जोड़िए 8, इसी तरीके से 7-1 भी हो जाएगा, 2, 6 करिए 8 हो जाएगा, तो इसलिए 6, 2 भी हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज हमने यहां पर लिख दिए, दिस विल बी अ रोस्टर फॉर्म। अगले वाले में आते हैं, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है और प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर पहले ले लीजिए, 2 से शुरुआत करिए, 2 हाँ डिवाइड कर सकता है तो 2 हो जाएगा, 3 हाँ कर सकता है, 3 हो सकता है, अब 5 पे आ जाइए, प्राइम देखते रहेंगे आप, देखिए प्राइम ले रहा हूं मैं, 5 ये डिवाइड कर सकता है, अब इसके बाद 7 लीजिए, ये तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो आपके 2, 3, 5 बस यही आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के आपको सारे सेट्स, तो आपको इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, इसमें एक एक वर्ड उठा लीजिए यहां से, देखिए कॉमा के साथ इसको लिख दीजिए, कॉमा के साथ इसको लिख दीजिए, तो ये सारे के सारे आपके वर्ड्स हो जाएंगे, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अब आया सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, इसमें क्या है, पहले वाले इसमें अंतर क्या है, आप बोलेंगे कि इसको भी ऐसे उठा कर लिख दें हम सीधा B, E, T, ER, लेकिन थोड़ा सा फेर बदल है क्योंकि टी 2 बार आता है, तो सेट में कभी भी हम 2 बार T लिखते हैं, अगर ऐसा आता है रोस्टर फॉर्म में तो 1 बार T लिखते हैं, इसलिए देखिए इस पूरे इसमें केवल 1 बार T लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं,
राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. ये जो है सेट, अब जो हमने किया उसका उल्टा लिखना है हमको, जो अभी हमने किया उसका हमको उल्टा करना है, यानी कि हमको रोस्टर फॉर्म मिला हुआ है. दीज आर रोस्टर फॉर्म, वी हैव टू चेंज इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म. तो पहला वाला देखते हैं, इसमें है आपका 36912. अब ये है क्या, अब इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या है. तीन, ये सब तीन के मल्टीपल लगे, 3 2 6 3 3 9 3 4 12. तो आपको इस तरीके से लिखना है, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 3n, वेयर, जहां वह n को बताना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. ये भी है कि n क्या होंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, इस तरीके से होते हैं ना. और जो n है वो कहां से कहां तक वेरीफाई करेगा, वेरी करेगा, सॉरी, ये कहां तक वेरी करेगा, 1 से लेकर 4 तक बस, क्योंकि 1 2 3 और 4, 3 1 3 3 2 4, 3 3 9 3 4 12, इतना ही सेट है. तो ये आपका इस तरीके से बनेगा. अगला देखिए, अब ये जो है ये 2 की पावर है, 2 की पावर 2 का एक पावर करिए 4 आएगा, 2 आएगा, 2 की पावर 2 करिए 4 आएगा, 2 की पावर 3 करिए 8, इस तरीके से आ रहा है. यहां पर कैसे बनाएंगे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, अगेन हमको n बताना पड़ेगा, इट बिलोंग्स टू कैपिटल N, दैट इज नेचुरल नंबर. और कहां तक वेरी करेगा, कितने 5 मेंबर है ना, तो इसलिए 1 से लेकर 5 तक बस. अगले वाले में आते हैं, 5 25 125 625. ये जो है 5 की पावर्स है, मतलब 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, देखिए 5 क्यूब 5 की पावर 4, इसमें यही करना है. x इज सच दैट x इज इक्वल टू, यहां पर 2 की पावर n था, यहां पर 5 की पावर n आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n जो है वो नेचुरल नंबर है. और कहां तक वेरी करेगा, जो छोटा n है, ये जो छोटा n ऊपर वाला, क्योंकि इसी यही वेरी कर रहा है, तभी तो 5 की अलग अलग वैल्यू आ रही है, वो 1 से लेकर 4 तक. और इसको हम लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको इंक्लूड कर रहे हैं, 1 और 5 यहां पर और 1 और 4 को हम इंक्लूड कर रहे हैं. अगले वाले में आते हैं, 246, व्हाट इज दिस 246 और डॉट 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 है. तो क्या है ये तो सीधा आपको इवन नंबर दिख रहे हैं और नेचुरल नंबर है, बस x इज सच दैट डॉट 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 है ना, तो ये लंबा खींच रहा है, बस यहां पर x इज सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर्स. अगले में आते हैं 149, ऐसे करके 100. अब इसमें देखिए कि 149, ये 1 स्क्वायर है 2 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखिए, और 10 का 10 स्क्वायर. तो इसमें लिखेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर, और n कहां तक वेरी और कर रहा है, 1 से लेकर 10 तक, तो बस 1 से लेकर 10 इंक्लूसिव आप ये लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. अब इसमें भी यही काम करना है हमको, इन्होंने एक्चुअली दूसरे शब्दों में हमसे बोल दिया है कि भाई आप रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए. तो एक एक करके बढ़ते हैं हम. यहां पर पहला है, x इज सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, तो बस 1 से लेकर शुरू कर दीजिए. ऑड क्या होता है, 3 5 7, ऐसे डॉट डॉट डॉट. x इज, दूसरे वाले पे आ रहे हैं, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, और यहां पर n जो है वो वेरी कर रहा है -1/2 से लेकर 9/2. क्वेश्चन इस तरीके से देखिएगा, x इज एन इंटीजर, x जो है वो -1/2 और 9/2 में से बिलोंग के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो हमको केवल इंटीजर लेना है. -1/2 देखिए क्या है, पहले इसको डेसिमल में चेंज कर देते, 0.5 -0.5 और 4.5, इसको नंबर लाइन में बना लीजिए. -0.5 के बाद क्या आता है, 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, और 4.5 के पहले इंटीजर क्या आता है, 4 आता है, तो बस 0 1 2 3 4 तक आपकी वैल्यूज हो जाएंगी जो यहां पर लिख दी गई है. इंटीजर मतलब जो डेसिमल में ना हो. थर्ड पे आते हैं, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4. तो आप क्या करेंगे यहां पर, किसको कैसे बनाएंगे, x इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी किसी नंबर का आप स्क्वायर करें वो 4 से कम आना चाहिए. अब 4 से कम कैसे होगा, और x स्क्वायर करना है, तो आप देखिए कोई एक वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए मैं आपको -1 देता हूं, इसको स्क्वायर करिए, ये कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये तो 4 से कम है तो 1 भी होगा, 1 स्क्वायर भी 4 से कम होगा. इस तरीके से 2 करिए, 2 और -2 -2 और 2, दोनों को स्क्वायर करिए. जैसे आप स्क्वायर करेंगे आप देखेंगे अरे ये भी तो 4 से कम आ रहा है. अब 3 पे जाइए,
तीन पे जाते आप देख रहे हैं, अरे ये तो चार से बढ़ गया, तो बस जीरो जीरो स्क्वायर है तो माइनस वन प्लस वन दोनों आएंगे, स्क्वायर है तो माइनस टू प्लस टू दोनों आएंगे, तो ये पांच नंबर केवल हो गए जो चार से कम है या बराबर है। बराबर की साइन है, ध्यान दीजिएगा एक चीज इसमें खास से बराबर का साइन है। फिर आते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो इसमें क्या करना है, आप पास एल ओ वाई ए एल, एल ओ वाई ए एल को छोड़ देना है क्योंकि वो रिपीटेशन है, तो बस एल को छोड़ देना, ये चार आ जाएंगे। अब फिफ्थ में आएगा एक्स इज सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, इसमें क्या है हमारे पास वो नंबर ले लीजिए, वो आपको पता ही है किस तरीके से हमारे जो मंथ्स हैं उनके डेज डिसाइडेड होते हैं, बस एक फरवरी होता है उसका कभी कभी चार साल में एक बार 29 हो जाता है, तो इसलिए आप फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, इसका एक्सेप्ट हो जाएगा। एक और है एफ इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसीड्स के कॉन्सोनेंट, अब आपको पता होगा वोवेल ए आई ओ होता है, इस तरीके से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो कॉन्सोनेंट जो है के पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि ए ए आई ओ यू को हटा दीजिए, ए से शुरू करिए के तक ले आइए, बस के से पहले ए आई ओ यू हटा के जितने भी आएंगे तो वो बी सी डी एफ जी एच जे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रस्ट फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट, अब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, एक यहां पर हमको रोस्टर में मिला हुआ है और ये देखिए रोस्टर में है और हम इसको दीज आर इन रोस्टर फॉर्म एंड दीज आर इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको मैच कराना है। 1 2 3 4 1 2 3 6 कौन से हैं इसमें देखिए एक एक करके ढूंढते हैं। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो ये तो 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 प्राइम नहीं है, तो इसको देखिए 2 3 x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, ये बिल्कुल इससे मैच कर जाएगा। अब आते हैं x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, अब देखिए ये बिल्कुल मैच कर रहा है इससे, ये लेस देन 10 भी है, ऑड भी है, नेचुरल नंबर भी है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, अब डिवाइजर ऑफ 6 देखिए नेचुरल नंबर है, डिवाइजर और 6 सारे डिवाइड करते हैं ये हो जाएगा, बाकी एक बचता है वो तो मैच करा दें, लेकिन इसकी रीजनिंग दे देता हूं मैं। द लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का वर्ड लीजिए, यहां पर देखिए सारे मैथमेटिक्स ही बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपके मैचिंग हो गई।